तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पांच बिस्वा में कितना गज ज़मीन होता है। एक बिस्वा में कितना गज होता है वो तो पता ही होगा, कि अगर नहीं पता तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम पांच बिस्वा का निकालेंगे कि इसमें कितना वर्ग गज ज़मीन होता है, क्योंकि ज़मीन जो होगा वो आपका वर्ग में होगा, क्योंकि इसमें कुछ न लंबाई और चौड़ाई ज़रूर होगा। ठीक है, गज क्या होता है, सीधी रेखा अगर नापेंगे उसके लिए गज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब ज़मीन जो होता है ना उसके लिए लंबाई और चौड़ाई ज़रूर होता है, इसलिए वो उसका जो मान है गज से बदलकर वर्ग गज में हो जाता है, जो कि इसका मान अलग आता है। तो वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि पांच बिस्वा अगर हमारे पास ज़मीन है तो वर्ग गज में उसका मान कितना होगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस सवाल का आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बिस्सा में कितना स्क्वायर फीट ज़मीन होता है वो पहले हम लिखेंगे, उसके बाद सारा मान धीरे धीरे निकालेंगे। तो एक बिस्सा का जो ज़मीन होता है उसका जो मान होता है 1361.25 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, जिसको हिंदी में वर्ग फीट बोला जाता है, और ये जो मान है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, आपको कहीं डाउट ना जाए, क्योंकि हर राज्य में थोड़ा थोड़ा मान अलग होता है, कहीं पर 1350 होता है, तो कहीं पर 1361 है, तो कहीं पर कुछ है, अलग अलग होता है। इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि हमारा क्या यूपी का मान बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, इसलिए मैं इसी का बताने जा रहा हूँ। ठीक, और जो तरीका होगा इसी तरीके से आप चाहे किसी भी राज्य से हो इसी तरीके पर मान रख कर आप निकाल सकते हैं। एक बिस्सा में हमारा क्या है, इतना वर्ग फीट है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले जो वर्ग फीट का जो मान है इसको पहले हम गज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वर्ग गज में। तो कैसे बदला जाएगा वो चलिए समझते हैं। तो एक गज जो ज़मीन यानी एक गज की जो लंबाई होती है वो होता है हमारा 3 फीट के बराबर। अब क्या करेंगे, इसका हम क्या करें, दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे। वर्ग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वर्ग गज गुणा बराबर 3 फीट गुणा 3 फीट हो जाएगा, क्योंकि जब किसी भी संख्या गुणा यानी वर्ग किया जाता है तो क्या है, उस संख्या का 2 बार गुणा होता है, तभी जाकर वो वर्ग में बदलता है। तो एक वर्ग गज बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ग फीट। अब क्या करेंगे, हम एक वर्ग फीट में कितना वर्ग गज होता है वो हम मान अब निकालेंगे। इतना करने के बाद अब वो वाला हम काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा वो वाला मान, एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट को क्या लिख सकते हैं हम, 9 गुणा 1 वर्ग फीट। ठीक है, 9 देख लीजिए कैसा बना है, जो भी है समझ में आ जाएगा कि 9 लिखा गया है। ठीक है, मैंने बना दे रहा हूँ, 9 गुणा 1 वर्ग फीट। अब एक वर्ग फीट बराबर हमें निकालना है कितना वर्ग गज होगा, तो एक वर्ग फीट को रहने देंगे बाकी 9 को बराबर की इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक वर्ग फीट बराबर 1/9 वर्ग गज। एक वर्ग फीट का हमारे पास मान निकल कर आ गया है, कितना हो गया, 1/9 वर्ग गज हो गया। अब इस वाले में हम रख कर क्या करेंगे, एक बिस्वा में कितना क्या एक बिस्वा में कितना वर्ग गज होता है वो निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, तो एक बिस्वा या फिर बिस्वा 1361.25 गुड़ा, ये क्या पूरा 1361 वर्ग फीट है, तो एक वर्ग फीट के इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 1/9, तब जाकर जो वर्ग फीट में मान था आपका वर्ग गज में बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, 1361.25 में क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, गुणा आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब पहले ऊपर वाले की संख्या ऊपर से गुणा होता है, नीचे वाले का नीचे से गुणा होता है, इस तरीके से ये वाला मान आएगा, ये हमारा ये है। आप क्या करेंगे, इसको हल कीजिए, चलिए कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पर 1361.25/9, कितना आ गया, 151.25 आ गया, यहाँ पर लिखेंगे हम 151.25 वर्ग गज। ये हमारा क्या हो गया, एक बिस्वा ज़मीन का मान हो गया। हमें निकालना है कितने का है, पांच बिस्वा ज़मीन का मान बताना है, चलिए इसको हम करते हैं। तो पांच बिस्वा ज़मीन की निकालने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, जगह बना लेता हूँ, तभी ना निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। एक बिस्वा का हमें पता चल गया है कि 151.25 वर्ग गज है, तो पांच बिस्वा का क्या हो जाएगा, ये तो निकालना बहुत इजी हो गया, चलिए निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पर पांच बिस्वा बराबर 5 गुणा 1 बिस्वा,
किस तरीके से क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। लिखेंगे यहाँ 5 गुणा, एक बिस्सा में कितना ज़मीन होता है गज में, 151। लिखेंगे यहाँ पर 151.25 गज स्क्वायर, यानी कि वर्ग गज, समझ गए, वर्ग में वर्ग गज मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो 5 गुणा इतना करेंगे, तो चलिए कैलकुलेटर की मदद दोबारा लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे 5, कितना आ गया, 756.25 वर्ग गज, यानी 5 बिस्सा जो हमारा ज़मीन होता है कितना होता है, चलिए इसको हटाते हैं, 756.25 वर्ग गज के बराबर होता है, समझ गए। तो इसको हमने कैसे निकाला, आपके सामने सारा जो डिटेल्स है मैंने यहाँ पर लिखा है कि किस तरीके से निकाला गया, पहले हमने एक बिस्सा में कितना गज होता है वो निकाल लिया हमने, उसके बाद 5 बिस्सा में उसका मल्टीप्लाई कर कर आंसर हमारे पास आ गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसको निकाला जाता है और इसका आंसर इतना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पहले बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।